दोस्तों आयुष्मान कार्ड यानी जन आरोग्य योजना, दोस्तों मोदी सरकार ने इस योजना को बहुत दिन पहले ही लॉन्च किया था, लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले ये एक नया फैसिलिटी इन्होंने स्टार्ट किया है कि जिनके पास भी राशन कार्ड है वे जो है आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो ये जो है अभी CSC सेंटर और किसी भी साइबर कैफ़े पे जाके आप जो है अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। हालांकि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी बताते हैं, उसका हम प्रोसेस आपको बता देंगे कि किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ही आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट मिलता है कि अभी इसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए वहाँ से आपको मुफ्त इसमें आपको इलाज होता है। तो चलिए इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं कि किस तरह से आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा, वो भी घर बैठे बिल्कुल मुफ्त, या फिर आप किसी CSC सेंटर में भी जाके बनवा सकते हैं, कोई आपको कोई चार्ज नहीं लेंगे। निःशुल्क इन्होंने अभियान चला रखा है और ये पहले जो है जिनके पास वो PMJ का आयुष्मान कार्ड का लेटर आ रहा था उन्हीं का कार्ड बन रहा था, लेकिन अभी जो है इन्होंने नया सिस्टम लॉन्च किया है कि जिनके पास भी जिन फैमिली मेम्बर के पास राशन कार्ड है उनका जो है आयुष्मान कार्ड सभी को बनना निश्चित है और सभी लोग बना रहे हैं। अभी जो भी बचे हुए हैं आप जाके बना सकते हो। आज हम आप सभी को घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरह से आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा इसके बारे में हम आप सभी को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू कर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है आयुष्मान ऐप। सिंपली देख सकते हैं कुछ इस तरह का एप्लीकेशन है आयुष्मान एप्लीकेशन। सिंपली इसको ओपन करेंगे इंस्टॉल करके, और जैसे ही आप ओपन करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये आयुष्मान का एप्लीकेशन है, आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसका प्रोसेस बताते हैं। अगर आपके पास CSC ID है तो भी बना सकते हैं, नहीं है तो भी बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा चलिए बात करते हैं। सिंपली इसको टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे अब आयुष्मान कार्ड बनना हुआ और भी आसान। अब लाभार्थी अपने आयुष्मान कार्ड को आयुष्मान ऐप की सहायता से स्वयं बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। ये जो है आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हो, पब्लिक हो या सेक्टर हो, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए या गवर्नमेंट हो, सभी जगह इससे आपका बेनिफिट मिलेगा और इसमें आपको 5 लाख तक का आपको बेनिफिट मिलेगा मुफ्त का इलाज का। तो सिंपली इसको बनाने के लिए यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक बेनिफिशरी का और एक ऑपरेटर का। बेनिफिशरी वाले जिसके पास CSC ID नहीं है, आप नए हैं, आप अपने मोबाइल से बना रहे हैं, तो आप सिंपली आप बेनिफिशरी में चले जाइए और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके OTP भेज दीजिए, ये आपका बेनिफिशरी लॉगिन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑपरेटर का। तो ऑपरेटर में CSC जिनके पास है, CSC वाले जो है वो अपना मोबाइल नंबर एंटर करके और यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं सिंपली आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और आपका जो है ये लॉगिन हो जाएगा। ऐसे आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे फर्स्ट में स्कीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे PMJAY, ये योजना चल रहा है अभी ज़्यादातर। सिंपली आपको फर्स्ट वाले सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जो है स्टेट के बाद जो है आपको अपना सब स्कीम सेलेक्ट करना है। ठीक है, सब स्कीम में आ जाता है वही PMJAY। तो सिंपली PMJ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपका आता है सर्च बाय, मतलब किस के माध्यम से आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे Family ID यानी कि राशन कार्ड से सर्च करना चाह रहे हैं, आधार कार्ड, नाम, लोकेशन और रूरल अर्बन जहाँ से भी है, और PMJ ID जो कि पहले लेटर मिल रहा था वही है, उससे आप सर्च कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि फर्स्ट में है राशन कार्ड और सेकेंड है आधार कार्ड, तो सिंपली सबसे बेहतर रहता है आधार नंबर, है ना, उसके बाद आधार सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है सिंपली आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर एंटर करके सर्च करना है। तो चलिए हम किसी एक का आधार नंबर एंटर करके सर्च करते हैं। जैसे आधार नंबर एंटर करेंगे सिंपली यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं तो उस बेनिफिशरी का डिटेल्स आ जाएगा। नीचे से स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 ऐसे नेम है जो कि इस आधार कार्ड के साथ
सभी फैमिली मेंबर लिंक है, यानी कि इस फैमिली आईडी से, राशन कार्ड से। तो ये जो पांचों मेंबर का आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसलिए हम इसको बना नहीं सकते हैं। अगर आपका बना हुआ रहेगा तो सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। अगर नहीं बना रहेगा तो सिंपली यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पर जैसे क्लिक करते हैं तो कस्टमर का बायोमेट्रिक होगा। अगर बायोमेट्रिक नहीं है तो उसके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आप ओटीपी भेज सकते हैं, और ओटीपी के थ्रू आप इस ओटीपी के थ्रू जो है आप इसको आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तीसरा चीज़, इसमें आपको फेस ऑथेंटिकेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर उसके पास बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है या ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जैसे कर दीजिएगा, 2 मिनट के अंदर जो है आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन इन रिव्यू में चला जाएगा। हालांकि तुरंत ही किसी किसी का बन जाता है, किसी किसी का 10 मिनट 15 मिनट बाद जो है डाउनलोड हो जाता है। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको डाउनलोड कार्ड पर क्लिक कीजिएगा और उस फैमिली में जितने मेंबर का भी वो रहेगा ये कार्ड बना हुआ, सभी का डाउनलोड हो जाएगा एक ही साथ। यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी तरह से केवाईसी करते समय भी यही 4 ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे आधार ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन और फेस ऑथेंटिकेशन, ये 4ों चीज़ से बना भी सकते हैं और यही 4ों चीज़ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें से किसी एक माध्यम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो है आप अपना घर बैठे आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, बहुत ही इजी हो चुका है और ये जो है पहले के अपेक्षा में काफ़ी इन्होंने सर्विस को जो है बेहतर किया है। अब जो है जिनके पास राशन कार्ड है वे लोग जो है आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की बैंकिंग, सीएससी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।